हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज एक फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, और ये टॉपिक है सोशल साइंस वालों के लिए, ठीक है। जो SST के स्टूडेंट हैं सोशल स्टडीज़ के, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट बात जो है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। बहुत सारे नंबर्स में ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हमेशा उनको डाउट रहता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है इतना पेचीदा है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। इस वजह से इसके बारे में एक चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ऑलरेडी पूछ रखा है कि ये सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका क्या लोचा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, पूरे डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या लोचा है और क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट वाले SST TGT के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और ठीक है, इस बारे में हम लोग इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इस तरह के नए नए न्यू अपडेट और नई नई जानकारियाँ आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो वही मैं आपको देने वाला हूँ, है ना। अभी फॉर्म्स आए हुए हैं EMRS के, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी परेशान हैं स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में वो जानना चाहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बहुत डिटेल से नहीं जान पाते, और ख़ासकर जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कि उनका ये कहना है कि हम अगर जियोग्राफी में ऑनर्स हैं या फिर सोशियोलॉजी में ऑनर्स हैं, तो ऑनर्स डिग्री वालों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सही जानकारी उनको कहीं से भी नहीं मिल पाती। तो इस वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग जो भी जानकारी है, जितनी जानकारी मुझे है, वो मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, और ये है SST वालों के लिए, ठीक है, जो SST के स्टूडेंट हैं। SST से जो TGT PGT के जो फॉर्म भरते हैं TGT के लिए, ठीक है, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। जब आप कॉलेजेस में जाते हैं MA करने के लिए, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पर चूज़ करने के लिए दिए जाते हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इसी पर काफ़ी कुछ आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं MA में जब आप आर्ट से करने जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, BA में जब आप बैचलर डिग्री करने जाते हैं, तो BA के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने के लिए दिया जाता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले है हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। ये दो हिंदी और जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं वो जो रेगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, उससे अलग हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट हैं, ये कंपलसरी सब्जेक्ट जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश, जो आपका आधारभूत जो पाठ्यक्रम होता है वो नहीं है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो नहीं है, ये हिंदी लिटरेचर, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है लिटरेचर। तो ये वो हिंदी और इंग्लिश है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट जो है, आप तीन सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। आपको पता होगा ज़्यादातर स्टेट्स में जो हैं तीनों विषय पूरे तीनों साल पढ़े जाते हैं, और कुछ स्टेट्स में लास्ट में जो है एक विषय छोड़ दिया जाता है, तो जो थर्ड ईयर होता है उसमें दो विषय पढ़े जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में जो है तीनों विषय जो है तीनों साल पढ़े जाते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये कुछ 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं, और इसमें से आपको 3 चुनने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो TGT SST के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, TGT SST के लिए, यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए जो भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उनका क्राइटेरिया, उनको क्या क्या सब्जेक्ट उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर 3 विषय चुने जाते हैं, ठीक है, 3 विषय चुने जाते हैं, उनमें से क्या क्या विषय आपका होना चाहिए तभी आप TGT SST के लिए एलिजिबल होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके जो 3 विषय चुने जाते हैं, उनमें से सबसे पहला विषय आपका होना चाहिए हिस्ट्री या जियोग्राफी, ठीक है। तो आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें कि अगर आपका हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी आपके 3 विषय में से एक भी नहीं है, हिस्ट्री या जियोग्राफी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप जो है TGT
एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी सेंट्रल की वैकेंसीज आती हैं, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट में हो सकता है नियम अलग अलग, स्टेट में कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रल केंद्र से जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए हिस्ट्री और जियोग्राफी होना आपका ज़रूरी है। अगर इसमें से एक विषय आपका नहीं है तो आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते टीजीटी एसएसटी के लिए। ये हो गया पहला सब्जेक्ट। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये चार विषय में से एक विषय आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपने यहाँ फर्स्ट विषय हिस्ट्री ले लिया है तो यहाँ पर हिस्ट्री निकाल दीजिए, फिर हिस्ट्री तो आपका है ही फर्स्ट में। फिर ये तीन बच जाते हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से एक होना ही चाहिए। वैसे ही सेम अगर आपने पहले विषय में जियोग्राफी ले रखा है ऑलरेडी, अगर जियोग्राफी है आपका तो जियोग्राफी यहाँ से निकाल दीजिए, आपका सेकेंड सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से एक होना चाहिए। आया समझ में? उसके अलावा मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों लिया हुआ है, ठीक है, तो आपके दो विषय तो ऐसे ही हो गए, तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे और आपको बाकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी इन दोनों विषय को ले रखा है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि आपका जो है इन चारों विषय में से कोई दो विषय होना चाहिए जिसमें से एक हिस्ट्री या जियोग्राफी होना अनिवार्य है, ये है मूल बात। तो ये दो विषय हो गए आपके, और थर्ड में क्या होना चाहिए? एनी अदर सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी जो सब्जेक्ट बच गया, जैसे कि आप लोगों ने दो विषय हिस्ट्री या जियोग्राफी चुन लिया, बाकी जो तीसरा विषय है इनमें से कोई भी एक हो सकता है, चाहे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये जो लेना है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के सार ये समझ में आता है कि यहाँ जो सोशियोलॉजी जो विषय है उसका एसएसटी टीजीटी में कोई काम जो है नज़र नहीं आता। यानी टीजीटी आप एसएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो सोशियोलॉजी का कोई काम यहाँ पर नज़र नहीं आता, इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नज़र नहीं आती, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हिंदी लिटरेचर या फिर इंग्लिश लिटरेचर लेकर के पढ़े हैं तीनों साल, ठीक है, तीनों साल, तो आप भाषा के लिए हिंदी या फिर इंग्लिश की जो वैकेंसी आती है उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो चूंकि यहाँ पर हम एसएसटी की बात कर रहे हैं तो उन सब बातों को छोड़िए, एसएसटी के लिए जो मैंने तीन विषय कैसे कैसे चुनेंगे वो उसके बारे में बता दिया। तो जो आपका थर्ड विषय है वो आप बाकी जो बच जाते हैं उसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। तो ठीक है, ये थी एक बात। अब देखते हैं कि इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, यानी कि आप लोगों ने अगर ऑनर्स डिग्री किया हुआ है तब क्या होगा। तो ऑनर्स डिग्री करने के लिए मान लीजिए कि आपने ऑनर्स डिग्री की है हिस्ट्री से, या फिर आपने ऑनर्स डिग्री की हुई है जियोग्राफी से, आपकी ऑनर्स डिग्री हिस्ट्री से है या फिर जियोग्राफी से है, तब तो आप एलिजिबल हैं जो सेंट्रल की वैकेंसीज आती हैं एसएसटी के लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए, तब आप एलिजिबल होंगे। यानी कि आपका ऑनर्स हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी से होना चाहिए। अगर आपका किसी भी और सब्जेक्ट से है, पॉलिटिकल से हो या इकोनॉमिक से हो, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, तो आप टीजीटी एसएसटी के लिए क्वालिफाई नहीं करते, मतलब टीजीटी एसएसटी के लिए आप जो है एलिजिबल नहीं होते। तो आपका जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री से होना अनिवार्य है। इसके अलावा जिस अदर विषय से अगर आपका ऑनर्स है तो आप टीजीटी एसएसटी नहीं भर सकते। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, मतलब सेंट्रल से जितनी भी वैकेंसीज आती है उसमें यही रूल अपनाया जाता है। जैसे केवीएस की आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन उठा करके देखेंगे तो ये चीज़ें उसमें साफ साफ तौर पर जो है मेंशनड हैं। तो ये थे कुछ बातें, जो बहुत ज़रूरी बात है उसी को मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर कोई बात छूट गई हो या फिर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके उस बारे में पूछ सकते हैं। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं ज़रूर बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं, इसको आप ध्यान रखिए। एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप फ्यूचर में किसी भी को अगर सब्जेक्ट चूज़ करने की अगर सलाह देते हैं तो आप लोग एक सलाह उनको ज़रूर दीजिएगा कि सबसे पहला सलाह, चाहे वो बाद में आगे जाके टीचर बने या ना बने, ठीक है, अगर वो टीचर बनना चाहता है तो उसको ये सलाह तो बिल्कुल ही दीजिएगा कि उसका एक विषय हिस्ट्री या जियोग्राफी ज़रूर ले वो, ठीक है। सेकेंड विषय जो है इन चारों में से एक ज़रूर ले, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर वो हिस्ट्री ले लेता है तो जियोग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से एक ज़रूर ले, या फिर अगर उसने जियोग्राफी लिया हुआ है तो इसके साथ ही साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी,
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स। कहने का ये मतलब है कि ये जो चार विषय बन रहे हैं ना, उनमें से दो विषय वो जरूर ले, और तीसरा विषय क्या लेकर के पढ़े, वो कोई भी एक लिटरेचर ले ले, तो ऐसा वो पढ़ सकता है, ताकि वो लिटरेचर यानी भाषा और SST दोनों के लिए, टीचिंग के लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन खैर ये तो मेरी बात थी, मतलब मैं ऐसा लोगों को ऐसा समझाना चाहता हूँ कि अगर वो टीचर बनना चाहते हैं तो वो TGT के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, SST के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होने की वजह से पछताते हैं इस वजह से। लेकिन जैसे अगर वो सोशियोलॉजी, आगे चल के सोशियोलॉजी में कुछ करना चाहता है, MA करना चाहता है, या फिर सोशियोलॉजी के क्षेत्र में और कुछ काम करना चाहता है, तो वो सोशियोलॉजी ले सकता है। ये तो मेरी राय थी, क्योंकि अगर वो सोशियोलॉजी लेके पढ़ता है और इन चारों में से कोई दो विषय उसके नहीं होते हैं, तो वो TGT SST के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये थी कुछ बात। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है कि EMRS की जो तैयारी है इस चैनल पर हो रही है, रोज़ाना वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आप उस वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, और साथ ही टीचिंग अपडेट्स के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।